पिछले कुछ वर्षों में संपूर्ण विश्व ने डेटा उपभोग में बढ़त देखी है। डेटा की खपत से ज्यादा उसका उत्पादन चौंकाने वाला है। आंकड़ों के माने तो हर 48 घंटे में जितने डेटा का हम उत्पादन कर रहे हैं वह मानव सभ्यता के आरंभ से लेकर पिछले 15 साल के बराबर है। आज जितना डेटा उपयोग में लाया जाता है उसमें उतनी ही जानकारी छुपी होती है जो अलग अलग एजेंसीज, बिजनेस या गवर्नमेंट के काम की होती है। यही डेटा मैनेज करने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत महसूस की जा रही है। डेटा एनालिसिस की प्रक्रिया में रॉ और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से उपयोगी जानकारियां निकाली जाती हैं, जिनके अनुसार प्रभावी रणनीति तैयार की जा सके और उसी आधार पर आगे के कार्य संबंधी निर्णय लिए जा सके। डेटा साइंस के क्षेत्र में सबसे अधिक नियुक्तियां करने के मामले में अमेरिका के बाद भारत का दूसरा स्थान है। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के एक स्टडी के मुताबिक डेटा साइंस के क्षेत्र में 2026 तक 48% बढ़ोतरी की संभावना है। डेटा साइंटिस्ट का मुख्य कार्य डेटा से अंतर्दृष्टि निकालना है, जिसका उपयोग किसी भी व्यावसायिक निर्णय लेने में किया जा सके। इस प्रक्रिया में रॉ डेटा से निपटना सिर्फ एक पहलू है और कई मामलों में डेटा इंजीनियर रॉ डेटा की सफाई करते हैं ताकि यह डेटा वैज्ञानिकों द्वारा विश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जा सके। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आईटी, बीटेक या इससे संबंधित फील्ड में न्यूनतम बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। यदि आप इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर्स हैं तो गहन ज्ञान के दृष्टिकोण से यह आपके लिए लाभप्रद है। 10वीं के बाद आप डिप्लोमा इन डेटा साइंस कर सकते हैं। यह पूरा कोर्स लगभग 6 से 12 महीने का होता है। डेटा साइंस में बीएससी, बीसीए, बीटेक करने के लिए लगभग 5-6 लाख का खर्च आ सकता है। यह खर्च आपके कॉलेज चुनने पर निर्भर करता है। 12वीं मेरिट के आधार पर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है। बीटेक इन डेटा साइंस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको जेईई मेन जैसे एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। एमटेक, एमएससी इन डेटा साइंस में एडमिशन के लिए बीएससी स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी या बीटेक बीई डिग्री होनी चाहिए। बीटेक में न्यूनतम 50% मार्क होना चाहिए। गेट का एंट्रेंस एग्जाम भी अनिवार्य है। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटाबेस मैनेजमेंट आदि की जानकारी होनी चाहिए। शुरुआती दिनों में अगर इनमें से किसी एक में भी उत्कृष्टता प्राप्त है तो अच्छा है। अन्य संबंधित कौशल का होना फायदेमंद रहेगा। मजबूत विश्लेषणात्मक कौशल होना एक बोनस है। एल्गोरिदम समझने की चाहत और मैथमेटिक्स में जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का होना अनिवार्य है। आइए जानते हैं कि डेटा साइंस की पढ़ाई हम कहाँ से कर सकते हैं। आप डेटा साइंस में बीएससी इनमें से किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं। चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, नवरचना यूनिवर्सिटी, सिम्बायसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल, AMET यूनिवर्सिटी इत्यादि। एमएससी करने के लिए आप इन कॉलेजेस में दाखिला ले सकते हैं। IITM केरला, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद यूनिवर्सिटी, एकेडमी ऑफ मैरिटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कनाथुर तमिलनाडु, ESG कॉलेज कोयम्बटूर इत्यादि। आप इन जगहों से डेटा साइंस में बीटेक या एमटेक भी कर सकते हैं। SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बैंगलोर, IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी इत्यादि। डेटा साइंस में ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, जैसे IBM की पाइथन बेसिक्स फॉर डेटा साइंस, हार्वर्ड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन डेटा साइंस, गूगल का IT सपोर्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इत्यादि। डेटा साइंस पर अन्य ऑनलाइन कोर्सेज की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें। किसी IT फर्म, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फर्म इत्यादि कंपनी में एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट यानी फ्रेशर की एवरेज एनुअल सैलरी 4 से 6 लाख तक होती है। यह सैलरी आपके स्किल, कंपनी और लोकेशन ऑफ जॉब पर निर्भर करती है। 5-6 साल का अनुभव होने पर डेटा साइंटिस्ट की सैलरी इंडिया में लगभग 7 से 10 लाख सालाना तक होती है। यदि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
मशीन लर्निंग और एआई का अतः ज्ञान रखते हैं तो आपकी सैलरी 15 से 20 लाख तक होती है। आशा है आपको इस वीडियो से लाभ होगा। YouTube पर लाइक का बटन अवश्य दबाएं और वीडियो को उन सबके साथ जरूर शेयर करें जो इससे लाभ उठा सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार पा सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।